गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे मैथ गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है नंबर स्विच। इससे पहले मैं नंबर स्विच पे दो वीडियो बना चुका हूँ, आज ये पार्ट थर्ड है। आज मैं 6 या 7 या 8 क्वेश्चन बनाऊँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, सीजीएल एग्जाम में, आईबीआई का एग्जाम में, बैंक पीओ एसबीआई एग्जाम में आ चुका है। अब इन दो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ कुछ लॉजिक बनाया था, उसी लॉजिक में सब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और फ्रेंड एक बात ध्यान रखना, जिस लॉजिक में क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उस लॉजिक में आप कृपया करके 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेनली जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी नंबर का एडिशंस, मल्टीप्लीकेशंस एंड डबल डिफरेंशियस, 50% क्वेश्चन जो आपका डबल डिफरेंशियस में शुरू हो जाता है। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 है 4 है 5 है 11 है, ये नंबर मेरे को याद करना है कि व्हाट इज दिस नंबर। लास्ट 361 है। आपका ऑप्शन है 44 39 45 एंड 36। चलिए फ्रेंड्स शुरू कीजिए, बनाने का ट्राई कीजिए। इस टाइप जिस लॉजिक पे क्वेश्चन सोल्व करूँगा उस लॉजिक पे मैं प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन बनाया हूँ फ्रेंड, इसीलिए आप ये मत पूछना। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड इसको सोल्व करते हैं। क्या नंबर है, 6 है। 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा, और कितना माइनस करेंगे तो 6 × 0.5 + 1 कितना आता है फ्रेंड, 4। नेक्स्ट देखते हैं, 4 × 1 + 1 5। नेक्स्ट 5 × 2 + 1 यानी कि 11। इस सीक्वेंस से आप क्या समझ रहे हैं फ्रेंड कि हर एक में मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है डबल हो रहा है और एडिशन सेम है। ये सीक्वेंस आप पे लागू हो रहा है, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा फ्रेंड, 11 × 4 + 1 = 45। मेरा आंसर क्या होगा फ्रेंड, C 45। देखते हैं लास्ट सीक्वेंस फॉलो करता है कि नहीं, यही ट्राई आप चेक कर लीजिए एक बार। 45 × 4 का डबल क्या होता है 8 प्लस मल्टीप्लिकेशन सेम, यानी कीजिए कितना आएगा 361। कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है फ्रेंड, जिसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, सब में प्लस से 1 ऐड से करना है, प्लस मल्टीप्लिकेशन को डबल करना है। इस सीक्वेंस में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन सोल्व किया था। सेम इसी लॉजिक पे आता है क्वेश्चन, कोई डरने की बात नहीं है, प्री एग्जाम में इसी लेवल पे आएगा क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का, सो टेंशन मत लीजिए फ्रेंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है फ्रेंड। जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उस लॉजिक पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिर्फ मेरा डाटा चेंज है, लॉजिक सेम है। मैं जितना भी लॉजिक आपको बताऊंगा फ्रेंड, 4 से 5 लॉजिक हर एक वीडियो में बताया हूं, आप उस लॉजिक पे 4 से 5 एग्जांपल सोल्व कर लें ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा लॉजिक नहीं आता है, 2-3-4 लॉजिक ही है, उस पर ही 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इस पर कौन सा लॉजिक इस्तेमाल होती है फ्रेंड। तो क्वेश्चंस क्या है, 180 179 183 156 172, तो ये नंबर क्या हो ये फाइंड करना है। ऑप्शंस 44 47 45 एंड 49 है फ्रेंड। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस नहीं है इसमें, तो पक्का ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इस, देखिए इसमें दोनों डिफरेंस क्या है, 180 179 में डिफरेंस क्या है, -1 है। उसके बाद 179 183 में डिफरेंसेस क्या है, +4 शायद है, प्लस 4 डिफरेंसेस है ना फ्रेंड। सेम उसी तरह 183 और 156 में डिफरेंसेस क्या है, -27 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 156 172, क्या है इसके बीच का दूरियाँ, +16 है। अच्छा गया 6 7 में से 5 6 में से 5 16 है। तो कैसे ये सोल्व होगा फ्रेंड देखते हैं। हेलो, हाँ फ्रेंड, तो देख ये डबल डिफरेंसेस का क्वेश्चन है फ्रेंड।
चलिए एक डिफरेंस हो गया, इससे आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा इन दोनों के बीच, देख के आ रहा है कुछ समझ में फ्रेंड क्या है? माइनस वन मतलब कि वन का होल की, उसके बाद फोर मतलब कि दो का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 27 यानी कि थ्री का होल क्यूब प्लस 16 यानी कि फोर का स्क्वायर। तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? अल्टरनेट यानी कि स्क्वायर एंड क्यूब का अल्टरनेट फॉलो कर रहा है। देखिए पहला क्यू है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा क्यू है, फिर स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्यू होगा, माइनस में होगा, लेकिन क्या होगा? फाइव का क्यू यानी कि नंबर क्या होगा? माइनस 125। तो मेरा नंबर क्या होगा फ्रेंड? 172 माइनस 125। आंसर क्या होगा? 7 5 12 और 6 में से 2 गया 4 कट, यानी कि बी, मेरा आंसर होगा बी यानी 47। इस टाइप के लॉजिक पे आपको बहुत सा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, आप कृपया करके इस लॉजिक पे क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिए, 2 से 3 तो आपको आसानी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। थर्ड क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पर फ्रेंड, आप ये क्वेश्चन देख के मेरे हिसाब से 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है फ्रेंड। देखिए इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन शायद नहीं है, इसमें क्या करना है आपको देखिए, डबल डिफरेंसेस का फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताया था फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में कि ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर ऑफ मिसिंग नंबर का डबल डिफरेंसेस पे सॉल्व होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड फटाफट, नो वेस्टिंग टाइम। क्या है? 16 है, 19 है, 30 है, तो इसका क्या डिफरेंस है? प्लस 3 प्लस 11। उसके बाद 30 से 57 के बीच क्या डिफरेंस है? प्लस 27। उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस है 9 6 15 16 16 59। मेरे पास नंबर क्या हो गया? 3 11 27 और 59। अब डबल डिफरेंसेस डबल क्रॉस चेक करते हैं, सो क्या है? देखिए इसके बीच क्या है? प्लस 8, फिर क्या है? प्लस 16, फिर क्या है? प्लस 32। इस लॉजिक में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन शायद बनाया प्रीवियस वीडियो में। देखिए 8 16 32 समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या होगा? 32 का डबल क्या होता है? 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो कितना? 59 में 64 ऐड कीजिए, 59 64 9 4 13 6 5 11 123। तो 116 प्लस 123, मेरा नंबर क्या होगा? 6 3 9 2 1 3 1 2 239, बी आंसर होगा। इस लॉजिक में प्रीवियस क्वेश्चंस में वीडियो बनाए थे और इस लॉजिक में आप 2 3 एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पर फ्रेंड, नंबर क्या है? 152 156 140 176 एंड 112। तो नेक्स्ट नंबर क्या ज्ञात करना है? देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, डिफरेंसेस देख लीजिए दोनों का क्या है, आपको पता चल जाएगा। देखिए नंबर है ना 152 156, डिफरेंस क्या है? 152 156 के बीच 4 का, फिर 156 140 के बीच क्या डिफरेंस है फ्रेंड? 16 का, फिर 140 से 176 के बीच क्या डिफरेंस है? 36 का 36, फिर क्या है? 176 से 12 का क्या डिफरेंसेस है? 64 का। ये भी डबल, ये भी जो है डबल डिफरेंसेस का ही क्वेश्चन है। अब देखिए अब इस 4 16 36 64, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, चेक कीजिए आप। 4 का किसका स्क्वायर है? 2 का। 16 किसका है? 4 का। 36 किसका है? 6 का। 8 किसका है? 8 का, सॉरी 64 8 का। तो क्या आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड? तो ये सब में प्लस 2 जुट रहा है, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो 100 में कितना जोड़ देंगे फ्रेंड? वो 112। मेरा नंबर क्या होगा फ्रेंड? 212। समझ में आ गया होगा ना, बहुत इजी सीक्वेंस, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान देना। देखिए ऐसा क्वेश्चन डिफरेंस में निकाल कितना है, डबल डिफरेंस का ही है, डिफरेंस सबके बीच निकाल लीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या कौन सा फार्मूला यूज होगा, डिफरेंस 4 16 36 64 हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी 2 2 इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा नंबर? 10 का स्क्वायर होगा, बस सिंपल सी है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे है, बहुत ईजी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देखिए 33 96 852 2553, तो क्वेश्चन देख के मालूम होगा कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। 33 यानी कि
कैसे लिखेंगे, 12 × 3 + 3 सॉरी -3 33, उसके बाद 33 × 3 - 3 कितना होगा 96। सेम यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा, तो सेम नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से सब्सट्रैक्शन करना, तो नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 285। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 285, मेरा नंबर क्या है 285। बहुत ईजी था फ्रेंड, क्वेश्चन देख के पता चल गया मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म चल रहा है इसमें, हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन का फॉर्म। मैं बताया था टोटल क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डबल डिफरेंसेस पे सॉल्व हो जाता है फ्रेंड। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा फ्रेंड। और जितना क्वेश्चन बनाओ सब इम्पोर्टेंट लॉजिक है, इस लॉजिक से ही आपको प्री एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लॉजिक पे 3 से 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन देख के लॉजिक दिमाग में आ जाए। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है, क्या है 192, 198, 64, 40, 26, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ए 16, 17, 18 और 19 ऑप्शन है। तो ऑफकोर्स चलिए इस मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो इसमें होगा ही नहीं, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही इस्तेमाल होगा इसमें। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन फ्रेंड, 2 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 192, 108 का डिफरेंस क्या है फ्रेंड, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 84 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है 108 और 64, डिफरेंसेस क्या है फ्रेंड 44 का। नेक्स्ट क्या है 64 और 40, डिफरेंस क्या है फ्रेंड 24। नेक्स्ट क्या है 44 और 26, डिफरेंसेस क्या है 14 का। तो नंबर क्या आ गया मेरा डिफरेंसेस का 84, 44, 24 एंड 40। अब डबल डिफरेंसेस का ही है ये, और इसको देखें हटा के 40, 20, 10 कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, सब में आधा माइनस हो रहा है यानी 40, 20, 10, तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा 5, तो माइनस हो रहा है, सब माइनस में हो रहा है ना, सब माइनस में है ना, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा -5, तो 14 में क्या करेंगे 9 घटा दें, तो मेरा नंबर क्या होगा 14 में से 9 गया तो कितना हो गया फ्रेंड 5, तो मेरा नंबर क्या होगा 14 यहाँ 26 में फिर 5 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो गया सॉरी गलती हो गया फ्रेंड, देखिए हाँ यहाँ तो हाँ डिफरेंसेस 84 है, 44, 24, 14, 84, 44, 24, 14, फिर डिफरेंसेस देखते हैं क्या है 40 है, 20 है, 10 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 होगा, तो 14 में से 5 गया 9 हुआ सॉरी, तो 26 में 9 घटेगा ना फ्रेंड, 26 में 9 गया 17, मेरा आंसर हो गया बी 17। कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं था इसमें फ्रेंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन, टोटल क्वेश्चन जो इस वीडियो में बनाया हूँ सब इंपॉर्टेंट लॉजिक बनाया हूँ, यही लॉजिक से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए थे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो लॉजिक पे मैं क्वेश्चन बनाऊँ हर एक लॉजिक पे आप 4 से 5 एग्जांपल्स सॉल्व कर लें फ्रेंड, ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि कौन सा लॉजिक इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन देख के लॉजिक दिमाग में सेट हो जाए आपका। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है, तो 4 है, 5 है, 8 है, 15 है, एग्जाम्पल्स 28, 26, 24 एंड 22 है। सो कैसे करेंगे फ्रेंड, इसमें देखिए डबल डिफरेंसेस क्या है, देखिए 4 और 5 में डिफरेंस क्या है 1, 5, 8 में क्या है 3 और 8, 15 में क्या है 8, 6, 14, 14, 1, 15, 7 का। तो फ्रेंड क्या हो गया मेरा नंबर 1, 3 और 7 है, डिफरेंस है ना 4 से 5, 1, 5 से 8, 3, 8 से 15, 7 का डिफरेंसेस है। अब इसमें आपको क्या लॉजिक इस्तेमाल करना, देखिए ये किसका स्क्वायर हो रहा है फ्रेंड 1 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, इसमें कितना करेंगे तो 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 1 करेंगे 7, 3 का स्क्वायर - 1 कौन सा लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है फ्रेंड 2। देखिए कौन सा लॉजिक चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है सबका, 1 का स्क्वायर हुआ फिर 2 का स्क्वायर हुआ फिर माइनस हुआ 3 का स्क्वायर - 2 हुआ, तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा फ्रेंड 4 का स्क्वायर - 3 यही होगा ना, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर - 1 3 स्क्वायर - 2, तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 4 स्क्वायर - 3, तो मेरा नंबर क्या होगा
चार चौके 16 में 3 गया कितना बचा 13 13 हो गया तो मेरा यहाँ नंबर हो गया 13 तो 15 में क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 3 8 2 28 मेरा नंबर क्या होगा 28 कितना आसान था कुछ करना ही नहीं था फ्रेंड बहुत ईजी था बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक सिक्वेंस पे आप 4 से 5 क्वेश्चंस बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया नमस्कार धन्यवाद लव यू फ्रेंड और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें ताकि मैं और से और वीडियो बनाऊँ कल भी मेरा नंबर सीरीज का टॉपिक चलेगा कल भर नंबर सीरीज का टॉपिक चलेगा मे बी कल या परसों भर चलेगा नंबर सीरीज का टॉपिक थैंक यू फ्रेंड लव यू